नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार माहौल। आज हम पहुंच चुके हैं कोसली गांव में और हमारे साथ बीजेपी के नेता जगदीश यादव जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज आप यहाँ किस उपलक्ष्य में पधारे हैं? बस चेयरमैन साहब ने बुलाया हुआ, इनके यहाँ आया हूँ चाय पीने के लिए। चेयरमैन साहब हमारे से अभी इन्होंने बुलाया है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर और अभी अपना प्रचार शुरू करेंगे। ये हमारे साथ नए शामिल हुए हैं। सर, आप कोसली विधानसभा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गांव-गांव जाके जनता से मिल रहे हैं, तो आपके सामने मुख्य जन समस्या क्या रही? कोई ऐसी समस्या नहीं है। गाँव के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम तो होते ही है, तो निरंतर चलता रहता है प्रयास। कोई विकास कार्यों की मांग कोई खत्म थोड़ी होती है। कोई कोई कार्य किए जाते हैं, फिर उनका मेंटेनेंस किया जाता है, मांग तो होती रहती है। अब लाइट लगाएंगे, लाइट में खराबी आ जाएगी, वो ठीक करवाएंगे। इस प्रकार से जो भी विकास कार्य होते हैं उनका मेंटेनेंस करना भी पड़ता है, निरंतर चलता रहता है। सर, जैसे कि अभी 2-3 दिन के अंदर जो कैंडिडेट हैं वे डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आपको कैसे क्या लगता है कि आपके टिकट पक्की है? देखो, आप सभी लोग आशावादी होते हैं, आशा के सारे तो चल रहे, सब अपनी तरफ से तो निश्चित मान के चल रहे हैं। बाकी पार्टी को फैसला करना है, वो 2 दिन बाद पता लग जाए। सर, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राव इंद्रजीत इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर उनकी बेटी को रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मिल गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो राव इंद्रजीत सिंह बता सकते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको टिकट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो पार्टी हाईकमान पर डिपेंड करता है। सर, आप जैसे कि यहाँ से अगर आपको टिकट मिलती है, तो आप यहाँ कोसली विधानसभा में जनता को क्या क्या सुविधा देना चाहेंगे? मैं अपने इलाके का सर्वांगीण विकास करवाऊँगा। जो जो समस्याएँ हैं गाँव में, मूलभूत समस्याएँ होती हैं, उनको दूर करेंगे और सुविधाएँ देंगे। इस प्रकार से शहर में रहने वाले लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं और अपने गाँव वालों को भी सुविधाएँ देने का प्रयास। जगदीश जी का हमारे साथ कहना है कि ये अपने शहर का सर्वांगीण विकास करवाएंगे और लोगों को मूलभूत सुविधा देंगे। मैं अपने कैमरामैन राकेश के साथ अमित माहौल, स्टेट।